और श्वेता देखिए, जब बुलेटिन की शुरुआत करें तो कोरोना के आंकड़ों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तेजी जो तेजी इस वक्त आंकड़ों में दिखाई दे रही है, 1,68,000 से ज्यादा केसेस बीते 24 घंटे में देश भर में रिपोर्ट हुए हैं, 904 लोगों की जान चली गई है। 63,000 केसेस के साथ महाराष्ट्र लगातार इस सूची में नंबर एक पर बना हुआ है, जहां सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और आपको साथ ही साथ बता दें कि दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। दिल्ली कोरोना मामलों में मुंबई से आगे इनफैक्ट निकल गई है। आपको बता दें कि कोरोना से सुप्रीम कोर्ट के काम पर गंभीर असर पड़ा है। कई कर्मचारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरे कोर्ट परिसर और हर अदालत को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम बैठक बुलाई है इसके मद्देनजर। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपने दफ्तर बंद कर वकीलों को घर से काम करने की सलाह दी है, और मुख्यमंत्री केजरीवाल आज 12 बजे आपात बैठक बुला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र में भी देखिए, 11 बजे के समय तय किया गया था, जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी एक अहम बैठक कर रहे हैं, और वहां पर लगातार इस तरह के जो है कयास लग रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर फैसला इसमें हो सकता है। दिल्ली और मुंबई दोनों जगह से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिल्ली में कुमार कुणाल इस वक्त मौजूद है और मुंबई से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन कुमार, पहले आपका रुख करते हुए, 11 बजे महाराष्ट्र में बैठक है, लेकिन 12 बजे का समय अरविंद केजरीवाल भी बैठक करने वाले हैं, कौन कौन इसमें शामिल होगा और आगे दिल्ली में किस तरह के कदम देखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक का स्पाइक 10,000 प्लस केस मुंबई को पीछे छोड़ दिया है दिल्ली ने केसेस के मामले में। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, और चिंता की बात इसलिए भी है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 10% के आसपास पहुंच गया है। 10,742 मामले 24 घंटे में कल आए थे, आज के आंकड़ों पर नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले जब आंकड़े आएंगे मुख्यमंत्री अहम बैठक करेंगे, और उस बैठक में तमाम जो आला अधिकारी हैं वो शामिल होंगे, बड़े मंत्री शामिल होंगे, कई बातों पर इसमें चर्चा होने की संभावना है। जो संभावना सबसे बड़ी है कि क्या लॉकडाउन एक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है पूरे दौरान, इस कोविड को रोकथाम के दौरान। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है बेड की उपलब्धता। ठीक पहले जब ये पूरा मामला आया है, मीटिंग हुई है, उससे ठीक पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप बेड और बढ़ाइए दिल्ली के अस्पतालों में, जहां पर नवंबर में 4,000 केंद्र सरकार के बेड उपलब्ध थे, वहीं अब लगभग 1,000 बेड है। तो बहुत सारी चीजों पर इस पर गहन चर्चा होगी, और ये आगे की क्या कुछ रणनीति है उस पर विचार होगा, उस पर फैसला होगा, और शायद मुमकिन है कि आगे और सख्त कदम लोगों के लिए यहां पर निश्चित किए जाएं, जिसको लागू करने की प्रक्रिया आज के बाद शुरू होगी।